जी इस वक्त मौजूद हूँ अफगान कॉलोनी के सामने जो नहर जा रही है काबल रिवर कनाल जो जिसकी जिम्मेदारी जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी इरीगेशन डिपार्टमेंट की है। गुज़िश्ता साल कुछ एरिया को तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है रोक दिया गया था, इस पर तामीराती काम बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इस पर तामीराती काम किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो काम किया जा रहा है आप हम देख सकते हैं, ये एक मुकामी यहाँ के एरिया के काउंसलर है जो आप देख सकते हैं जो काम किया है रात के अंधेरे में किया जा रहा है और जो दीवार बनाई जा रही है नहर के लिए वो ये गिर रही है। न सिर्फ ये बल्कि निजी से मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो रही है, लेकिन इसकी बुनियाद नहीं बनाई गई। यहाँ भी जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना था कि इस हवाले से उन्होंने जो नाज़िमीन हैं उन्होंने इरीगेशन डिपार्टमेंट से बात की। आप देख सकते हैं ये वो नहर है जो जिसके लिए बनाई जा रही है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर नहर है। लेकिन सूरत हाल ये है कि नाज़िमीन इलाका जो काउंसलर है जनरल काउंसलर है उनके एहतजाज के बावजूद इरीगेशन डिपार्टमेंट का ये मौक़ है कि हमारे पास पैसे कम है, इसी बाइस जो है इस तरह की गैरमियारी काम किया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि ना तो इस जो बाउंड्री वाल है इसकी बुनियाद बनाई जा रही है ना ही इसे बेहतर बनाया जा रहा है, सीमेंट बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए अभी से गिर रहा है। अगर जो सूरत हाल है इस पर पानी का सिलसिला जो पानी जो जा रहा है इस एरिया से अगर पानी का यहाँ से रवाना हो जाएगा तो ये दीवार भी ख़त्म हो जाएगी और जो पैसे हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इस हवाले से इलाके के लोगों का ये मौक़ है कि या तो इसको या तो सही बनाया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, इसकी उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आवाम का पैसा है आवामी टैक्सों का पैसा है वो सही तौर पर इस्तेमाल हो, अदरवाइज उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं। जी।